आयकर सर्वे पर बोले अरविंद केजरीवाल, अभिनेत्री सूद के साथ लाखों परिवारों की दुआएं। नागा वार्ता के लिए वार्ताकार की स्थिति में घमासान, आरएन रवि अब भी संभाल रहे प्रभार। सोनू सूद के ठिकानों पर आयकर सर्वे से आप खपा, संजय सिंह बोले जिन्हें सम्मानित करना चाहिए उन पर हो रहे हैं छापेमारी। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार एयर इंडिया को खरीदने के लिए टाटा ग्रुप ने बोली प्रक्रिया की पूरी। सड़क हादसा सीसीटीवी में कैद, तेज रफ्तार कार ने दंपति को मारी टक्कर, फ्लाईओवर से नीचे गिरने से दोनों की हुई मौत। राहुल गांधी की दो टूक, आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से कभी समझौता नहीं कर सकता। मुजफ्फरनगर दंगे के वक्त कहां छिपे थे टिकैत, ओवैसी को बीजेपी के चचा जान बताने वाले बयान पर भड़की एआईएमआईएम। सड़क जाम कर रहे किसानों को आने पहुंचे दरोगा तो लोगों ने कर दी पिटाई, सैकड़ों की संख्या में किसान रोड को अवरुद्ध करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाने लगे, जिसके कारण दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ऑटो सेक्टर में उत्पादन बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने 26,000 करोड़ की योजना को दी हरी झंडी। झारखंड के रामगढ़ में बस से टक्कर होने के बाद वैगन आर में लगी भीषण आग, अंदर फंसे 5 लोग जिंदा जले।